कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। अरे मियां कल्लन, दो बारी मैं खुद तुम्हारे स्टूडियो होके गया और दो बारी लड़के को भिजवाया, तुम्हारे असिस्टेंट ने यही कह दी कि जी मालूम नहीं आपकी तस्वीरें बना के कहां रख गए। क्या मंगला को दे दी? अच्छा, जरा सतवीर को देना। हेलो, प्रिंस ऑफ पुराना किला। हाँ, मैं श्यामलाल बोलता हूँ। भाई सुनो, एक छोटा सा काम कर दो लाला जी का। फौरन मंगला के यहाँ जाओ और उससे कहो कि लाला जी ने फोटुओं का पैकेट मंगवाया है। हाँ नहीं, दफ्तर से गाड़ी ले जाओ, मैं मंगला को टेलीफोन किए देता हूँ। जेबी। हाँ कहिए श्यामलाल जी। अरे भैया जेबी, अभी एक ऐसी खबर सुनी कि तुम्हें बताए बगैर चैन नहीं आया। वो जो तुम्हारा यार है ना, अब तो वो दफ्तर से उठ के भी वहीं जाने लगा है। कौन यार, कहाँ जाने लगा है? सतबीर, प्रिंस ऑफ पुराना किला, इस समय भी वहीं बैठा है मंगला के यहाँ। श्यामलाल जी, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने आपसे कहा हो कि प्रिंस पर जासूस बिठवाओ। ऑपरेटर, मिस सूरी प्लीज। हेलो बबली, गाड़ी लगवाओ, जहन्नुम में जाना है। और कहा, फोटो में तो आप बहुत अच्छे दिख रहे हो मंगला जी। हाँ वैसे तो मैं बहुत मामूली दिखती हूँ जी। आप तो वैसे भी बहुत खूबसूरत दिखते हो जी। मेरा मतलब है, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो दिखते भी खूबसूरत हों और फोटो में भी खूबसूरत लगते हों। आज तक तो किसी ने मुझे खूबसूरत कहा नहीं। जेबी साहब ने भी नहीं? ताज्जुब है। इसमें ताज्जुब की क्या बात है? एक बार अम्मा ने जैसे कह दिया, हमारी मंगला बिटिया पढ़ने लिखने में जितनी होशियार है, दिखने में उतनी ही प्यारी है। इस पर जय ने कहा, ये चूहिया प्यारी है, इसे तो कोई अंधा ही खूबसूरत कह सकता है। जी इस तरह उन्होंने प्यार में कहा ना। प्यार में बेइज्जती की जाती है। उन्होंने आपकी बेइज्जती क्यों करनी हुई? वो इस तरह हुआ ना कि छोड़िए इस बात को, मैं खुद भी जानती हूँ मैं खूबसूरत नहीं हूँ। जी वो इस तरह है कि आपकी खूबसूरती चुलबुली और बड़बोली नहीं है, बहुत खामोश और संजीदा है। इसी करके जेबी साहब की निगाह में नहीं आई होनी है, वरना तो कोई अंधा ही कह सकता है कि आप खूबसूरत नहीं हो। वंडरफुल, नहीं मान गए। आप कब आए जेबी साहब? क्यों, मुझे आता नहीं देखा प्रिंस? मेरे अंधेपन का जिक्र करते करते तुम्हारी भी निगाह जाती रही। और मंगला, तुम्हारे साहित्य वाहित्य की सेहत बिल्कुल ठीक है? तुम अपनी सुना जाए, आज कैसे भूल पड़े? देखता हूं आज भी आकर भूल गई। पता नहीं, तुम लोग जारी रखो अपने साहित्य की चर्चा। आप बैठो ना जेबी साहब, मेरे को तो ये फोटो लेने श्यामलाल जी ने भेजा था। वाह, कितने खूबसूरत ड्यूटियां देने लगे हैं तुम्हें श्यामलाल जी। व्यंग बाण अपने तर्कस में ही रखो जाए, श्यामलाल जी ने मुझे फोन करके प्रिंस को यहाँ फोटो लेने भेजा है, और जहाँ तक मैं समझती हूँ उन्होंने ही तुम्हें यहाँ भेजा है कि जाओ देखो तुम्हारा दोस्त वहाँ क्या कर रहा है। अच्छा मंगला जी, नमस्ते, तो मैं चलता हूँ जेबी साहब। चलते चलते छोटी सी बात सुनते जाओ प्रिंस। ये सही है कि मैंने तुम्हें अपने यहाँ सर्विस दी है, लेकिन मैंने तुमसे ये कब कहा कि तुम्हारी ड्यूटी में मेरी मंगेतर की ब्यूटी का जायजा लेते रहना भी शामिल है। जी मैं तो बस ये कह रहा था कि इनका फेस फोटोजेनिक है। जी मैं भी सिर्फ यही कह रहा हूँ कि दफ्तर के काम का
ना तो इनके फेस से कोई ताल्लुक है और ना इनके फोटो से। जो मेरा मतलब था कि सफाई देकर मेरी अक्ल की तौहीन मत करो। कविता ना लिख सकूं लेकिन इतना तो समझ ही जाता हूं। जाओ दोस्त, अब अपना काम करो। ये तुमने बहुत गलत काम किया जय। गलत काम किया? ये बहस मत छेड़ो मंगला। मैं नहीं चाहता कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जिससे तुम्हारा मूड खराब हो। कोई कसर रह गई है क्या मूड खराब करने को? इतने महीनों बाद आए वो भी ये सब करने। मैंने क्या किया? पहले औरों से जासूसी करवाते रहे, आज खुद आए हो। तुम मुझसे मिलने आए थे या मुझे रंगे हाथों पकड़ने? मैंने तुमसे हाथ रंगने को कहा था? मेरे हाथ नहीं, तुम्हारी निगाह रंगी है जय। मैं पापा की तरह मॉडर्न आदमी, मेरी निगाह तकियानूस नहीं है। तभी दफ्तर से दौड़ के यहाँ आए। जिस प्रिंस से तुम बार बार कहते रहते हो कि वो तुम्हें दफ्तर के भीतर भी अपना दोस्त माने, साहब ने उसे मेरे घर में आकर दफ्तर की ड्यूटी के नाम पे शर्मिंदा किया। वो मेरा मेहमान था। और मैं कुछ नहीं हूँ जो इतना गरज के बोल रही हो। शायद तुम ठीक कहती हो मंगला, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब किसी को शर्मिंदा करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि शर्म तो रही नहीं गई। तुम कहना क्या चाहते हो? इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बाय बाय। इससे ज्यादा अगर कुछ कहोगे तो मैं चुपचाप सुनने वाली नहीं हूं जय। मुझ में कुछ शर्म बाकी है मंगला, इसलिए भले ही कुछ भी देखूं कुछ भी सुनूं चुप रहूंगा। यही बुनिया। मैं आई कम इन सर। आओ प्रिंस जी। आप मेरे को प्रिंस मत कहा करो लाला जी। जब सभी कहते हैं तो मुझे भी कहना ही पड़ता है। इस समय कैसे आना हुआ जी? ये फोटो का पैकेट ले आया मंगला जी के पास से। फोटो का पैकेट जी? मैंने मंगाया था। मंगला बिटिया जिद कर रही थी कि प्रज्ञावती जी के साथ हमारी जो फोटो है वो लाला जी को भी दिखाओ। फोटो घर में भी देखे जा सकते हैं? बच्ची है जी, उसका भी मन रखना पड़ता है। चलो यहीं देख लेते हैं। दफ्तर का तो कोई और काम नहीं बचा है ना? बस एक ये तय करना रह गया जी कि बंबई किसे भेजे सौदा करने के लिए। वहां तो जय को जाना था। दरअसल जेबी साहब अकेले बंबई नहीं जाना चाह रही जी। वो जिद कर रहे हैं कि मैं भी उनके साथ चलूं, और आपने मेरी ड्यूटी मेरठ जाने को लगा रखी है। अब अगर आपका हुक्म हो तो मेरठ धनपतमल जी को भेज दे। नहीं, जेबी कोई बच्चा नहीं जो हर जगह आपकी उंगली पकड़ कर जाए। इस लड़के को भेज दो जी। मैं? क्यों, तुम भी अकेले जाने में डरते हो? डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है जी। ठीक है, तो तुम जाके शिवलाल और हबीब से सारी बात समझ लो और परसों निकल जाओ। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते। लाइए श्यामलाल जी, दिखाइए फोटो। और तो सब घर वालों की है जी। वो प्रज्ञावती बहन जी का दिखाने को कह रही थी आपको खासकर। मगर पता नहीं उनका फोटो कहाँ रह गया जी। ऐसी भी क्या जल्दी है, जब मिल जाए तो दिखा देना। हेलो श्यामलाल जी, तस्वीरें तो मैंने सब भेज दी। अच्छा, वो प्रज्ञावती जी वाली, उसे तो वो खुद ले गई। अरे ये तो बड़ी बुरी हुई। हम लोग उस तस्वीर को इलाज करा के रखाना चाहते थे। खैर, नेगेटिव तो होगा तुम्हारे पास। क्या नेगेटिव भी ले गई, इलाज कराएंगे? वाह, प्रज्ञावती जी का मेरा दिमाग एक ही तरफ दौड़ रहा दिखे। नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम उन्हें चिट्ठी लिखकर वापस मंगाओ नेगेटिव। मैं कल वह लाऊंगा तुम्हारे यहां। आपने मेरे को याद किया श्यामला जी। यार तुम आदमी हो याद करने लायक। बैठो,
हुकुम कीजिए। हुकुम तो क्या, एक छोटी सी इल्तिजा है। तुम्हें तो मालूम है तुम्हारे पिताजी के बारे में किताब छपवाने की सोच रहा हूं मैं। उसी सिलसिले में थोड़ी सी मदद चाहिए प्यारे भाई। जी पिताजी अपने को इस लायक नहीं ना समझते कि उनके बारे में किताब छापी जाए। उनका ऐसा समझना भी इस बात की निशानी है कि वो बहुत बड़े आदमी। जब ही लाला वृषभान ने हुक्म दिया है कि श्यामलाल इन मास्टर हवेली राम के बारे में किताब छपवा। अच्छा जी, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे और लाला जी के खानदान के बड़े पुराने और गहरे ताल्लुकात है। नहीं जी। भाई कमाल है, लाला वृषभान के तुम मुलाजिम हो और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अभी तक ये नहीं बताया कि लाला जी से तो तुम लोगों का घरोपा सारा है। ये तो कोई मानने वाली बात ना है। मगर सच है, सौगंध रब की। अजी हाँ, बगैर तुम्हारे खानदान के बारे में जाने हुए लाला जी तुम्हें यूं ही तरक्की पे तरक्की दिए जा रहे होंगे। रब की सौगंध खाकर ये कहो जरा कि तुमने उन्हें कभी नहीं बताया कि तुम मास्टर हवेली राम के बेटे हो। जी मैंने उनको बताया जरूर, लेकिन ये समझ कर नहीं कि वो मेरे पिताजी को जानते हैं। मुझे अंदाजा लगाने तो कब बताया होगा। तभी ना जब मिल की हड़ताल के मामले में उन्होंने तुम्हें निकाला। जी तुम्हारे खानदान के बारे में सुनते ही जादू हो गया ना। बताओ जब लाला जी तुम्हारे खानदान को इतना मान देते तब तुम्हारे घर वालों को उनकी इतनी सी बात रख लेने में क्या परेशानी हो रही। जी मैं पूछूंगा उनसे। हाँ क्योंकि ये बताने में आपको क्या इतराज है कि मास्टर वेलीराम कितने भाई बहन थे। जी पिताजी के एक ही भाई थे लाला रलिया राम और एक ही बहन थी वीरावाली। वीरावाली, ये नाम था उसका। बताने जवानी में ही गुजर गई बेचारी, जल मरी थी शायद। जी नहीं, नदी में डूब गए थे। भला कहाँ? दादी जी के साथ गंगोत्री गए थे, उधर ही कहीं उत्तर काशी में जहां प्रज्ञावती जी का आश्रम। कह दिया तेरे से पुत्र? श्यामलाल जी ने। उनका तो दिमाग खराब है। पुत्र, तेरी बुआ जी ने आत्महत्या नहीं ना की। इन श्यामलाल जी को क्या पड़ी है जो तेरी बुआ जी के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। श्यामलाल जी कहते हैं कि लाला वृषभान ने उन्हें काम में लगाया है। मगर माता जी, लाला वृषभान हमारे बुआ जी के बारे में जानकारी चाहे ये तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। श्यामलाल जी झूठ बोल रहे हैं उन्हें। हाँ तो सभी झूठ बोलने लग पड़े हैं, औरों की क्या बात करनी। आप भी मैं पुत्र। माता जी आपने मेरे को कभी नहीं बताया कि हमारे दादाजी का लाला वृषभान के पिताजी के यहाँ आना जाना था, आपस में काफी बिजनेस होता था। मेरे को श्यामलाल जी ने पुराने कागजात दिखाए निकाल के। बिजनेस की बातों से आप तेरे पिताजी बहुत दूर रहे, फिर मेरे को यह सब किधर से पता होना था पुत्र। बुआ जी तो आपके सहेली थे, उनके बारे में तो आपको सब कुछ पता होना है माता जी। हाँ उनका रिश्ता किससे हुआ था? तेरे दादाजी की पहचान के किसी व्यापारी के बेटे से। उन लोगों को कोई नाम भी तो रहा होना है माता जी। अब मेरे को याद नहीं ना है पुत्र, लाहौर की कोई होते तो याद भी रह जाना था, बाहर के थे वो लोग। तब तो ठीक ही कह रहे थे श्यामलाल जी। क्या? कि बुआ जी का रिश्ता
लाला पुष्पान से हुआ था। वो तो ये भी कह रहे थे कि लाला पुष्पान ने आप ही भुआ जी से शादी के वास्ते पहल की, फिर आप ही पीछे हट गए, भुआ जी बदनाम हो गए, दादी जी उन्हें लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल गए। माता जी आप चुप किस तरह हो गए? जिस बारे में मेरे को कुछ पता नहीं उस बारे क्या बोलूं पुत्र? खाओ मेरी कसम, श्यामलाल तेरा दुश्मन है, उसकी ओर से मेरे को अपनी कसम दिलाने वाला तू कौन होता है? जा, मैं नहीं खाती कसम, नहीं बताती बुआ जी के बारे में तुझे कुछ भी। क्यों माता जी क्यों? क्योंकि मैं तेरी दुश्मन नहीं ना हूं। सच बात क्या दुश्मन बताते हैं माता जी? सत पुत्र सुन, इससे तेरे को या और किसी को क्या फर्क पड़ सकना है कि तेरे बुआ जी का रिश्ता किससे तय हुआ था? वो मर गई, उनके साथ ही सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए। माता जी जिस तरह से आप पर्दादारी कर रहे हो उससे तो लगता है फर्क सचमुच पड़ सकना है। हाँ, वीरावाली की शादी लाला वृषपान से तय हुई थी। अब नाश्ता कर ले। ये लुचे अम्मा। भाई साहब एक बेड में और ले लो। अरे यहाँ 40 वहाँ पौने घर पे 40, यहाँ जब भी आऊंगा ज्यादा खा जाऊं। लल्ली के बनाए हुए की बात ही कुछ और। आज सुभद्रा ने नहीं महाराज ने खाना बनाया। जी फिर क्या हुआ, वो भी तो इन्हीं का ट्रेन किया हुआ है। दलिया दे दू? नहीं, डॉक्टर माथुर कम खाने को कहते हैं और तुम ठूस ठूस के खिलाती हो। प्रज्ञावती बहन जी फ्रूट ले लो, फ्रूट की तो मने ना है। ठीक है बस बस। हाँ भाई साहब क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था जी कि प्रज्ञावती बहन जी तो गायब ही हो गई। उस दिन तो हफ्ते भर में फिर आने को कह रही थी। मेरी दिली तमन्ना थी कि लाला जी को उनके एक बार दर्शन करा दूं, लेकिन अब मेरे को ऐसा लगे है कि ये प्रज्ञावती बहन जी अपने लाला जी से डरे हैं। मैं डरूं तो डरूं, वो क्यों डरती हैं? किसी ने खबर कर दी होगी कि लाला जी जोगी जोगनों के सख्त खिलाफ हैं। जय तू आज भी दूध ना पी रहा, पी जल्दी से। दूध तो अम्मा बच्चे पिए हैं या बिल्लियां। तू बच्चा भी है अच्छी बिल्ला भी। ये प्रज्ञावती जी न तो सिर्फ यहाँ आने की मना करती है बल्कि लाला जी का नाम सुनते ही थर्रा जाती। काश मेरा नाम सुनकर मेरे मैनेजर थर्राते। और तो और मैंने लाला जी को दिखाने के लिए जेबी के साथ उनकी एक तस्वीर खिंचवाई, वो उसे भी नेगेटिव समेत उठा ले गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लाला जी को पहले से जानती हो? इनको कहां से जानेंगी? लाहौर से। प्रिंस को भी तो वहीं से जानती होंगी। श्यामलाल जब तुम्हें बेकार की बातों से फुर्सत मिले तब कपड़ा मिल जरूर चले जाना। बस अभी गया जी। ये लाहौर वाली बात करके इनकी दुख तीरा क्यों छू दी भाई साहब? अजी मैंने तो इस वजह से कही कि ये सतबीर वगैरह को अच्छी तरह से जानते हैं। उससे क्या हुआ? लल्ली मैं चाह रहा था कि जब तक पूरी इंक्वायरी ना कर लूं तब तक चुप ही रहूं, लेकिन अब जब जय ने सवाल उठा ही दिया है तो मैं ये बता दूं कि लाहौर में लाला जी की शादी इसी प्रिंस की सगी बुआ से तय हुई थी। अजी हाँ। तुम्हारी कसम मुझे खुद उस पंडित ने बताया जिसने टेवे में लाए थे। पापा को पता है? पता है, जब ही तो हर मामले में फेवर करते हैं। देखो ना तुम्हारी जगह उसे मुंबई भेज रहे। आपको कैसे पता भाई साहब कि इन्हें पता है? मुझे खुद प्रिंस ने बताया। जैसे ही शुगर मिल के मामले में उसे निकाले जाने की नौबत आने लगी उसने लाला जी से कह दिया कि मैं मास्टर हवेली राम का बेटा हूँ। बस जादू हो गया, जिस प्रिंस के हमारे लाला जी बिल्कुल खिलाफ थे उसे ही वो सर आंखों पर बैठाने लगे। मेरे को तो आज तक उन्होंने बताया ही नहीं कि लड़का भी उसी खानदान का है जिस खानदान की चुड़ैल थी। बता के क्लेश मोल लेना था जान को। देखो लल्ली ये जेबी मेरी तो सुनता ना है, तुम ही इसको समझाओ। अगर इसने ध्यान ना दिया तो देखते ही देखते वो प्रिंस इसका सब कुछ छीन ले जाएगा। वाह
मंगेतर विरासत। श्यामलाल जी, अब आप यह गप कपाशट खत्म कीजिए और मिल जाइए। जी मैं अभी चलूं। सुभद्रा, मैं जरा हबीब के यहां तक जा रहा हूं। अजी मैंने कही, आपने मुझे ये कभी ना बताया कि प्रिंस आपके लाहौर वाले मास्टर हवेलीराम का बेटा है। लाहौर में मेरा कोई नहीं है। कोई तो थी ना आपकी वहां पे, उसी के भाई का बेटा है ये प्रिंस। होगा, ये मेरी ड्यूटी नहीं है कि अपने हर एम्प्लॉय के बाप का नाम मालूम करता रहूं और घर पे आके तुम्हें बताता रहूं। लेकिन मेरी ये ड्यूटी जरूर रहती है कि जय के भले बुरे का ध्यान रखूं। आपसे शय पाकर वो प्रिंस जय का हर बात में हक मार रहा है, और तो और उसकी मंगेतर को भी छीन ले रहा है। भाई यार बातें मत किया करो। अगर जय सचमुच मंगला से शादी करने के लिए बेचैन है तो मंगला को तो मैं अभी राजी कर लूं। तो करो ना, किसने रोका है। ठीक है पापा, मैं शाम को चला जाऊंगा मंगला के पास। नहीं, वो चाहती क्या है, मैं कान पकड़ के उठक बैठक करूं, हाथ जोड़ के माफी मांगूं, या उसके सामने मुर्गा बन के बैठा रहूं। अच्छा, मुझे ये कहना होगा कि वो मुझे सचमुच पसंद है। ठीक है, कह दूंगा। बाय। मेरे प्रिय, सब बुरे गए, सब भले गए, मैं ही क्या, सभी तो ऐसे चले गए। वाह, क्या हुआ मंगला जी, आज आप शुरू से ही बहुत उदास हो। मेरा आना बुरा लगा क्या? मैंने खुद बुलाया, फिर बुरा क्यों लगेगा? जी मैंने तो कहा था मेरे आने से आपको परेशानी होगी। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। परेशान तो आज आप लग रहे हैं प्रिंस। जी असल में अपने माँ बाप से जिस बात की उम्मीद ना हो, उस तरह की बात वो कर जाए तो थोड़ा दुख तो होता है। आप तो लड़के हैं, फिर भी अपनी मर्जी की कर सकते हैं। मेरे जैसी घरेलू लड़की क्या करे। जी क्या हो गया? आज जय के पापा आए थे, बाऊ जी अम्मा ने उनके साथ बैठकर जय के साथ मेरी शादी की तारीख तय कर दी है। मैंने कही थी कम से कम घर आके मुझे एक बार बता दे कि वो मुझे पसंद करता है, तो जय ने फोन पर ही कह दिया कि मंगला तुम मुझे तो क्या, मेरे बाप तक को पसंद हो। मेरी फीलिंग्स की उसे कुछ भी परवाह नहीं है, मुझे तो उस पर अब जरा भी यकीन नहीं है। उस हालत में तो आपको जेबी साहब से शादी नहीं ना करनी चाहिए, आप दोनों के हक में गलत होगा। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। जिस तरह मैंने बबली जी से शादी करने से इनकार कर दिया, उस तरह आप भी कर दो। आप लड़की हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि आपकी मर्जी के खिलाफ शादी कर दी जाए। हेलो एवरीबॉडी, आई प्रिंस, मैं तो सीधा तुम्हारे पास ही आने वाला था। मंगला से मेरा समझौता हो गया और इसी खुशी में मैं एक जोरदार पिकनिक ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, तुम्हें जरूर चलना होगा साथ। मंगला जी को समर्पित भटकन को राह बनाकर पहुंचूंगा किस मंजिल पर। सही मंजिल पर पहुंचोगे मेरे पोएट।